एक्सीडेंट हो गया भाई। और ये जो है ना, ये फल वाला, इससे फल मत लेना। जाऊंगा तो आज ही, भले छाता लेके जाना पड़े। आज हनी सिंह वाले बाल कटाऊंगा इधर। और अगर इसे कुछ हो गया ना, मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। तेरी पापरी बड़ा तेज है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई आज भी सुबह से बने एक पार्सल आया, आने वाले थे वैसे दो लेकिन आया एक। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल और मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, तो आज मैं इसको कटवा लूँगा। आप इसको नोटिस मत करना, ये कवर टूटा हुआ फ़ोन नहीं। कल रात से ऐसी बारिश हो रही है ना, और अभी तक हो रही। भाई बाल कटवाने भी जाना है यार। जाऊँगा तो आज ही, भले छाता लेके जाना पड़े। भाई साहब फिर से एक पार्सल आ गया। ये देखो। ओ भाई थैंक यू सो मच भगवान, इतनी बढ़िया धूप निकली है। ऐसे ही धूप निकली रहे, मैं आपको डेली अगरबत्ती जलाऊँगा। ब्लॉक कर दिया अपलोड, और अब जाना है अपन को बाल कटाने। तो भाई लेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैंने बोला था अब्दुल को साथ में चलने के लिए, लेकिन फिर उसने लास्ट में बोल दिया कि भाई मैं बिज़ी हूँ, उसको कुछ काम होगा, तो अब अकेले जाना पड़ेगा। और अकेले जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, गाड़ी चलाते टाइम वीडियो नहीं बना सकता आदमी। अब भाई गाड़ी भी यहीं खड़ी, पहले गाड़ी निकालना पड़ेगा। यही होता भाई जब आपके घर में एक गाड़ी, वो भी दुकान के नाम पे। अभी गाड़ी निकाला, टेकराम भैया लेके चले गए, तो दो घंटे बाद आएंगे। मैं इतना वेट थोड़ी ना करूँगा यार, पैदल जाऊँगा, एक किलोमीटर है। पर जवान लड़के यार इतना पैदल चल सकते हैं। पैदल जाने का ना एक फ़ायदा है, मैं वीडियो बना सकता हूँ। हमारे यहाँ ना आपको हर जगह सब्जी मिलेगी, इधर पूरी सब्जी लगी हुई है। मेरे घर से आप कहीं भी चले जाओगे ना, आपको दोनों साइड सब्जी मिलेगी। लेफ्ट राइट कहीं भी जाओगे ना, सब्जी की कोई कमी नहीं है। आसपास पूरे गांव है ना, तो गांव वाले अपनी सब्जी लेके आ जाते हैं बिल्कुल फ्रेश। One eternity later. तो भाई मैं पहुंच गया, और ये जो है ना, ये फल वाला, इससे फल मत लेना, ये बहुत महंगा देता है भाई। हाँ इससे मत लेना बिल्कुल, गजब बेइज्जती है। किस्मत तो बड़ी अच्छी है, भीड़ नहीं अंदर, लेकिन बाल काटने वाले भैया ही नहीं है। मैं हमेशा आपके यहाँ बाल कटाता हूँ, पता है, क्योंकि जूही ने कहा गोविंदा के कान में बाल कटाना जितने भी दुकान में। आज हनी सिंह वाले बाल कटाऊंगा इधर। अच्छा। हाँ तो भाई कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, बढ़िया बाल कटेगी नहीं। और एक बात बता दूँ, मैं भैया के यहाँ जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था ना, तब से बाल कटा रहा हूँ, और हर बार परफेक्ट कटते हैं भाई। पहले मैं सोच रहा था घर में कि मैं आऊँगा पैदल, और जाते टाइम ऑटो कर लूँगा, लेकिन क्या मतलब भाई, एक ब्लॉगर अगर 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए तो कहे का ब्लॉगर। अरे दुकान वाला कहाँ चला गया भाई, मैं ये रास्ते पर बजाते जाऊँगा भाई। ऐसा तोड़ लूं, अब ये खरीद लिया हूँ, रास्ते भर बजाते जाऊंगा। तेरी पापरी बड़ा तेज है। भूख बहुत तेज लगी है भाई, पहले मैं नहा लेता हूँ, बाल कटा के आऊँ ना, उसके बाद फिर खाना खाऊंगा। कैसा लग रहा भाई? ओह ये बालों का क्या है ना, आफ्टर शैम्पू दे बिकम वेरी सिल्की, आई कांट इवन कॉम प्रॉपरली। लेकिन दिखाना किसको है, ऐसे ही बढ़िया है। अब खाना खा के जाऊंगा दुकान, मिलता हूँ आपसे दुकान से लौटने के बाद। जीएसटी नंबर भी डला है क्या? नहीं। मेरे को लगा ये जीएसटी नंबर डला है क्या, ये अच्छा लग रहा। 30 रुपए का चूना लगवा दिया राजकुमार। नहीं भाई अच्छा यार, वो थोड़ा
खाने के बाद में उसका टेस्ट पता चला, टेस्ट बढ़िया है इसका। A few minutes later, हाँ तो भाई दुकान से आ गया हूँ मैं। ये जो मैं लेके आया हूँ ना, ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। अगर आप इसको बीच मार्केट में बचा दो ना, तो आपको चारों तरफ से गाली पड़ेगी। बीच मार्केट में भीड़ लगी और आप इसको बचा दिए ना, जितने लोग खड़े सब गाली देंगे आपको। हाँ, इसका साउंड वीडियो में नहीं समझ में आता, लेकिन इतना तेज है ना, आप ट्रेन के हॉर्न को कंपेयर कर सकते हो। हाँ, उतना ही तेज है। ट्रेन का हॉर्न जितना तेज होता है ना, ये उतना ही तेज है भाई। चाय पी लो भाई। मेरी बहन मेरा ब्लॉग देख रही, बोल बोल के तो दिखाना पड़ता है कि देखो 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 मैंने ब्लॉग डाल दिया। अपने से देखना नहीं भाई। हाँ, कई बार जोश जोश के चक्कर में ना नुकसान करवा लेता मैं अपना। यहाँ पे दो बाल थे तो अलग से दिख रहे थे, मैंने काट दिया। अब अजीब सा लग रहा। फिर भी कोई बात नहीं, दिखाना किसको है। अब मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। क्या है, अभी नल आएगा, पूजा वाला पानी भरना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे दीदी को दे देता हूँ, तो वो नीचे ले जाएगी। जब वो नीचे से बजाएगी तो मैं समझ जाऊँगा नल आ गया, क्योंकि नीचे से चिल्लाओ ना तो ऊपर आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब ये बजेगा तो मैं समझ जाऊँगा नल आ गया। ये ले। A few minutes later, पकड़ नहीं बजा, नल वाला आया नहीं, फालतू को बजा रही। मैं जा रहा हूँ लेदवे की दुकान, क्योंकि मुझे इसकी कलर्ड फोटो कॉपी कराना है, जिसको मैं फ्रेम करा के अपने रूम में डालूंगा। और इसको मैं सेफ रखूंगा, क्योंकि दिस पीस ऑफ पेपर वर्थ ऑलमोस्ट 40,000। और अगर इसे कुछ हो गया ना, मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे। एक्सीडेंट हो गया भाई। वो देखो वहाँ स्कूटी गिर गई, बाइक वाले ने स्कूटी वाले को ठोक दिया। आर्गुमेंट हो रहा, सब शॉर्टेड है भाई। ये एरिया इतना छोटा है ना, हर कोई एक दूसरे को जानता है। लड़ाई वड़ाई होती नहीं, एक्सीडेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अपना काम तो नहीं हो पाया, लेकिन अपन आ गए एग रोल खाने लगे एक साथ। इतना अच्छा बनाने की मैं बहुत तारीफ करूँ। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। अपना काम तो नहीं हो पाया, क्योंकि प्रिंटर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो भैया ने बोला कल कर दूंगा। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग, और ऐसा वैसे ट्रैवल नहीं, बहुत शानदार होने वाला है। ये वाला व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।